नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टर्ब तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्थान में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए दो बैच संचालित किए जा रहे हैं, और इन दोनों बैचों में हमारी अलग अलग फैकल्टी रहेंगी। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अलग फैकल्टी का चुनाव किया गया है और मुख्य परीक्षा के लिए अलग फैकल्टी का। यदि आप हमारे किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इवन मैं तो ये कहूंगा कि आप दोनों बैचों में एडमिशन लीजिएगा और वर्ष 2020 में एसडीएम, एनआईएफ, तहसीलदार किसी एक पद पर चयनित हो जाइए जो आपको अच्छा लगते हो। अगर आप हमारी प्रीलिम्स परीक्षा में, प्रीलिम्स बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9170509670। इस पर आपको प्री पीसीएस इंट्री लिखकर भेजना है, ठीक ना, ENTRY। और अगर आप प्री का मेंस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर ये रहेगा 9918000454। इस नंबर पर आपको इंट्री ENTRY इंट्री प्री कम मेंस लिखकर भेजना होगा, प्री कम मेंस, ठीक ना। अगर आप इतना कर देते हैं, और याद रखिएगा टेक्स्ट मैसेज मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज दीजिएगा, आपको एडमिशन से संबंधित सारी प्रक्रिया समझा दी जाएगी। आइएगा हम आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत के लोह अयस्क। तो अभी तक मैं 3 लेक्चर आपको दे चुका हूं जिसमें मैंने आर्थिक भूगोल प्रारंभ किया था, और आर्थिक भूगोल मैंने इसलिए प्रारंभ किया था क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न बहुत बनते हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2019 की परीक्षा देखेंगे तो 2 प्रश्न आए थे यहां से, ठीक ना। तो यहां से प्रश्न अधिक मात्रा बनते हैं और थोड़ा अच्छा टॉपिक है, करंट से रिलेटेड टॉपिक होता है, चीजें बदलती रहती हैं, कहां पर उत्पादन खनिजों का अधिक हो रहा है, कहां पर भंडारण अधिक हो रहा है, इस प्रकार से तत्व बदलते रहेंगे, ठीक ना। तो पहले 2 लेक्चरों में मैं आपको ईंधन खनिज से अवगत करा चुका था, पेट्रोलियम और कोयला। आज एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, उसी खनिज में हमें आज नया टॉपिक जो पढ़ना है, इस नए टॉपिक का नाम है लौह अयस्क। तो आज हम लोग बात करेंगे लौह अयस्क की, ठीक ना। अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क किसी भी देश या किसी भी राज्य के उद्योगों का मूलभूत आधार माना गया, ठीक ना। तो लौह अयस्क का पहला पॉइंट यह है कि उद्योगों का इसे मूलभूत आधार माना गया, या हम कह सकते हैं मूलभूत तत्व माना गया, ठीक ना। लोहा के बिना, लौह अयस्क के बिना उद्योगों का विकास होना संभव नहीं है, ठीक ना। तो लोहा को उद्योगों के लिए प्रमुख माना गया है। अगर हम बात करें कि इसकी प्राप्ति स्थल कहां से है, इसकी प्राप्ति कहां से होती है, तो मुख्य रूप से अगर लोहा की बात करते हैं हम, तो लोहा धारवाड़, ये मैं पहले ही टॉपिक में पढ़ाया हूं आपको, धारवाड़ एवं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, धारवाड़ एवं कुड़प्पा क्रम की चट्टान से। धारवाड़ कहां पर है, तो धारवाड़ एक कर्नाटक का महत्वपूर्ण जिला है, और कुड़प्पा कहां पर है, तो कुड़प्पा आंध्र प्रदेश का स्थान है। तो निश्चित रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाएगा लौह अयस्क, ठीक ना। तो कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। चलिएगा, इसको हम बाद में समझेंगे कि कहां कहां पाया जाएगा और कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर, इसके उत्पादन में कौन सा द्वितीय, इसके बाद में इसको समझ लेंगे। अगला बात करते हैं हम, अगर हम लोहे का विभाजन करें, लोहे का वर्गीकरण करते हैं, लौह अयस्क के प्रकारों को देखेंगे हम सबसे पहले, लौह अयस्क के प्रकार, तो लोहा जो है वो 4 प्रकार का होता है, लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। पहले लौह अयस्क को एक नाम दे दिया गया मैग्नेटाइड, और मैग्नेटाइड का फॉर्मूला Fe2O4, ठीक ना, मैग्नेटाइड हो गया पहला। दूसरा जो होता है वो हेमेटाइड होता है, हेमेटाइड फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक ना। उसके बाद जो तीसरे प्रकार का लोहा होता है, एक एक से इनको समझते जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। जो तीसरे प्रकार का होता है, इसका नाम होता है लिमोनाइट,
लिमोनाइट। लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, यहां पर 2 लगा होता है एवं 3H2O। उसके बाद आता है सबसे बाद में सिडेराइट। सबसे बाद में क्या आता है? सिडेराइट Fe2CO3, ठीक ना, एक प्रकार का कार्बोनेट होता है Fe3CO3, ठीक ना। देखिएगा ये चार प्रकार का लोहा अयस्क होता है। आप जैसे जैसे मैग्नेटाइट लोहा अयस्क से सिडेराइट लोहा अयस्क की ओर बढ़ते जाएंगे, मैग्नेटाइट से कहां की ओर बढ़ते जाएंगे, सिडेराइट की ओर बढ़ते जाएंगे, इनकी कोटि की मात्रा में क्या आती जाएगी, कोटि की मात्रा में कमी आती जाएगी। या हम कह देंगे कि इसमें जो धातु है, धातु की मात्रा में क्या आती जाएगी, धातु की मात्रा में क्या आती जाती है, धातु की मात्रा में कमी आ जाएगी। अगर यहां पर हम बात करें मैग्नेटाइट लोह अयस्क में, तो मैग्नेटाइट लोह अयस्क में लगभग 60-75% धातु का अंश पाया जाता है। हेमेटाइट में बात करें तो लगभग 55-60% पाया जाता है लोह अयस्क इसमें। इसकी बात करते हैं लिमोनाइट की, तो लिमोनाइट में लगभग 40-45% तक लोह धातु पाई जाती है, लोह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद सिडेराइट में लगभग 30% के लगभग क्या पाई जाती है, 30% के लगभग लौह अयस्क पाया जाता है, लौह धातु पाई जाती है, ठीक ना। इन्हीं का हमें अध्ययन करना है कि कहां पर कौन सा लगाया गया है या कहां पर कौन सा अधिक मात्रा में खनिज मिलता है, लोहा, ठीक ना, लोहा की बात हो रही है। एक एक से हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है मैग्नेटाइड Fe2O4, ठीक ना, Fe2O4 ये होता है मैग्नेटाइड। तो मैग्नेटाइड का पहला पॉइंट जो हम बता चुके हैं, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क क्या है, ये सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट भी हमने इसमें बता दिया आपको कि इसमें धातु की मात्रा क्या पाई जाएगी, इसमें धातु की मात्रा अधिक पाई जाएगी, ठीक ना। चलिएगा मैं लिख दे रहा हूं दोबारा से, धातु की मात्रा यहां पर क्या होगी, तो यहां पर धातु की मात्रा यहां पर अधिक पाई जाएगी, और धातु की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण ही सर्वाधिक लौह चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय धातु माना जाता है। सर्वाधिक लौह चुंबकीय धातु, लोहे में जो चार प्रकार का लोहा है उसमें सर्वाधिक लौह चुंबकीय धातु किसको माना जाता है, तो मैग्नेटाइट को माना जाता है। और मैग्नेटाइट को माना जाता है इसलिए क्योंकि इसमें धातु की मात्रा अधिक है, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा क्या है, इसमें धातु की मात्रा अधिक है। अगला देखिएगा, इसे काला लोहा के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि धातु की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग जो है वो काले रंग के समान दिखाई देता है, ठीक ना। अगर हम देखें कि अगर ये मैग्नेटाइट जो लोहा है इसके प्राप्ति स्थल को देखें, हम प्राप्ति स्थल, तो यह मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहां कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक ना, ये तो मुख्य प्राप्ति स्थल है इनके, ठीक ना। अगर हम इनका क्रम लिखें, ठीक ना, क्रम से व्यवस्थित करें, तो पहले नंबर पर कर्नाटक है क्रम से, ठीक ना, या यहां पर हम लिख दे रहे हैं मैग्नेटाइड लौह अयस्क भंडारक राज्य, और एक क्रम से है मैग्नेटाइड लौह अयस्क भंडारक राज्य, और इनको हम क्रम से लिख दे रहे हैं। तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान है, ठीक ना। तो टॉप थ्री आपको याद रखने, टॉप थ्री आपको क्या है,
टॉप थ्री आपको याद रखना है, टॉप थ्री आपको याद रखना है। पहले स्थान पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, और राजस्थान के बाद फिर कहीं जाके जाता है तमिलनाडु, ठीक ना। तो ए मैग्नेटाइड है, चार विशेषताएं बताई हमने, चारों विशेषताएं याद रखना है। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है, इसके धातु की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक लौह चुंबकीय धातु है, लोहा में सर्वाधिक है, और इसको काला लोहा के नाम से जानते हैं। काला लोहा इसलिए कहते हैं क्योंकि धातु का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग काला दिखाई देता है, ठीक ना। कहां से प्राप्त होता है ये बता दिए हम, ठीक ना। तमिलनाडु में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है तमिलनाडु में, जिसका नाम है सलेम, याद रखना है। तमिलनाडु के सलेम में पर्याप्त मात्रा में मैग्नेटाइड लो आयस्क पाया जाता है, कहां? तमिलनाडु के सलेम में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी हम बता दिए, आंध्र प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के कोडप्पा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में धारवाड़ जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कर्नाटक में कहां? धारवाड़, अधिक मात्रा में धारवाड़ में पाया जाता है, ठीक ना। चलेगा दूसरा देखते हैं, और जो दूसरा हमारा लौह अयस्क है, इस दूसरे लौह अयस्क का नाम क्या है? तो दूसरा हमारा हेमेटाइड, हेमेटाइड है, जिसका फॉर्मूला हम आपको Fe2O3 बताए हैं। हेमेटाइड चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का, द्वितीय कोटि का लिख लीजिएगा, या द्वितीय प्रकार का, द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है, द्वितीय कोटि का लौह अयस्क। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइड, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइड लौह अयस्क ही पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? हेमेटाइड। अगर हम इसकी रंग की बात करते हैं तो इसका रंग जो है वो गेरुआ, लाल गेरुआ, ठीक ना। जैसे गेहूं देखे होंगे आप, एक लाल गेहूं आता है, लाल गेहूं होता है उसी समान, तो लाल गेरुआ के समान होता है गेरुआ रंग, ठीक ना। हल्का हल्का सा लाल होता है, लाल गेरुआ के रंग के समान होता है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। अगर हम बात करें कि हेमेटाइड कहां कहां भारत में पाया जाता है, तो इसके प्राप्ति स्थलों को अगर हम लिखेंगे, प्राप्ति स्थल, तो सर्वाधिक मात्रा में इसके जो भंडार हैं वो उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में है, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड राज्य में है। ये टॉप थ्री राज्य हैं जहां पर हेमेटाइड लौह अयस्क क्या पाया जाता है, जहां पर हेमेटाइड लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक में भी पाया जाता है, ठीक ना। कहां पाया जाता है? कर्नाटक में भी पाया जाता है। कर्नाटक में एक पर्वत है जिसका हम पहले भी उल्लेख किए हैं, बाबा बुदान पर्वत, तो बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र से पाया जाता है। कर्नाटक में बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र से पाया जाता है, ठीक ना। अभी देखिएगा, अभी मैं आपको लोहा पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको लोह इस्पात उद्योग पढ़ाऊंगा, आज ही के टॉपिक में लोह इस्पात उद्योग। भाई लोहे का मुख्य कार्य क्या है? मैंने पहले ही बताया था, लोहे को उद्योगों की जननी कहा जाता है, उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है लोहा। तो कहां कहां पर लोहा के उद्योग लगाए गए, बेवर का औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे हम लोग, बेवर का औद्योगिक प्रदेश क्या है, इन सारी चीजों को समझेंगे। तो आपको कर्नाटक में बाबा बुदान पर्वत याद रखना है। उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, मयूरभंज किसके लिए जाना जाता है? तो उड़ीसा का जो मयूरभंज है वो इसी के लिए जाना जाता है, ठीक ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। उसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और दुर्ग जिले से इसकी प्राप्ति होती है। जबकि झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है सिंहभूमि, सिंहभूमि जिले से इसकी प्राप्ति होती है। देखिएगा, भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। एक मैं डायग्राम के माध्यम से एक मैंने मानचित्र लिया है, इस मानचित्र में देखिएगा सारी चीजें हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और
डल्ली राजहारा या बेला डिला की खान, यहां पर राज्य का जिले का नाम न देकर उसने खान का नाम दे दिया, बेला डिला की खान किस लिए जानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेला डिला की खान कहां पर है, तो बेला डिला की खान आप खूब देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है और मध्यवर्ती भाग में दुर्ग है। उसके बाद ये उड़ीसा है, उड़ीसा में दो जगह है, एक का नाम है मयूरभंज और एक का नाम है केंदुझार। तो मयूरभंज और केंदुझार जो है वो उड़ीसा में है और लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। देखिएगा लिखा है आयरन, आयरन ऑयल, ठीक है ना, लौह अयस्क के लिए। उसके बाद महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है रत्नागिरी, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है रत्नागिरी, तो रत्नागिरी भी किसके लिए जानी जा रही है, लौह अयस्क। और लौह अयस्क में कौन सा, हेमेटाइट लौह अयस्क, ठीक है ना। कर्नाटक, बेल्लारी जिला, बेल्लारी जिले में के पास ही बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं, तो बेल्लारी जिला और बाबा बुदान, बाबा बुदान तो मैंने पर्वत बताया, जिला पूछेगा तो बेल्लारी, चिकमंगलूर जिला भी है वहां पर, ठीक ना, तो बेल्लारी कर्नाटक में चिकमंगलूर। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान हो गए जहां से किसकी प्राप्ति होती है, जहां से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, और कौन से लौह अयस्क की प्राप्ति, तो हेमेटाइट, ठीक ना। आइएगा मुख्य पेज पर आते हैं हम लोग, ठीक ना। उसके बाद नीचे यहां पर एक राज्य का नाम और जोड़े ले रहे हैं, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहा, तो महाराष्ट्र में प्राप्ति होती इसकी रत्नागिरी से, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, ठीक ना, ये आपको याद रखनी है। कर्नाटक में बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र, साथ ही साथ बेल्लारी जिला, बेल्लारी जिला, डल्ली राज हारा की खान या बेला डिला की खान, ये सारी की सारी खाने हैं, अभी हम अध्ययन करेंगे, तो ये सारी की सारी खाने लौह अयस्क के लिए जानी जाती भारत में। और बार बार मैं प्रेशर कर रहा हूं आपको, भूलना नहीं है किस लौह अयस्क की बात हो रही है, हेमेटाइड, जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। अगला बढ़ते हम लोग, लिमोनाइट, टू एफ ई टू ओ थ्री इंटू थ्री एच टू। अगर हम लिमोनाइट की बात करते हैं तो यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, किन चट्टानों से प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है अवसादी चट्टान, तो लिमोनाइट लौह अयस्क की प्राप्ति अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। और अवसादी चट्टान के बारे में मैंने पहले बताया है कि अवसादी चट्टानों का जो विकास है या अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है, वो अधिकांश अवसादी चट्टानें नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नदी घाटी क्षेत्र में जो नदी होती है अपने साथ कई प्रकार के मलबे को बहा कर लाती है, और मलबे के जमाव से धीरे धीरे किसकी किसका निर्माण हो जाता है, सेडिमेंट रॉक, अवसादी चट्टानों का, ठीक ना। तो अवसादी चट्टानें जल में पाई जाती है, इसलिए इसे हम जलयोजित, जलयोजित, जलयोजित लौह अयस्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जलयोजित लौह अयस्क, मतलब एक ऐसा लौह अयस्क जो जल में पाया जाता, पानी से निकाला जाता, ठीक ना, नदी घाटी क्षेत्र से। उसके बाद लिमोनाइट में इसका अगर रंग की बात करें तो इसका रंग भूरा होता है, इसके अगर हम रंग की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग जो होता है इसका रंग भूरा होता है, ठीक ना। भारत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, भारत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो है इसका नाम है सिडेराइट, सिडेराइट, एफ ई टू सी ओ थ्री, एफ ई टू सी ओ थ्री, ठीक ना, सॉरी एफ ई थ्री है, एफ ई थ्री सी ओ थ्री। जो सिडेराइट है ये निम्न कोटि का, निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है, निम्न कोटि का लौह अयस्क है, निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है, ठीक ना, और सबसे घटिया किस्म का यही होता है, और देश में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, देश में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग भी हल्का हल्का ग्रे होता है, ठीक ना, हल्का सा भूरा होता है। रंग की बात करें तो इसका रंग भी कैसा होता है, इसका रंग भी भूरा होता है, ये आपको याद रखनी है। सबसे घटिया किस्म का कोयला है, तो आपको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये दो याद रखने हैं, ठीक ना, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये दो याद रखना है। अब देखिएगा वो आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा, हमने अभी अभी आपको बताया है
देखिए प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की है। चलिए मैं हेमेटाइट खोल ले रहा हूं, ये देखिएगा हेमेटाइट लिखा है, और हेमेटाइट की मैंने प्राप्ति स्थल देखिएगा आपको बताया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तीन राज्य टॉप है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। और अगर हम बात करें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड कहां है, तो ये पूर्वी भारत में है। कहां पर है, इस वाले रीजन की बात हो रही है, तो ये पूर्वी भारत में है। तो आपसे क्वेश्चन कर देगा कि भारत में जो सर्वाधिक कोयला है, सॉरी सर्वाधिक जो लोहा है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो भारत में सर्वाधिक लोहा है वो हमें पूर्वी भाग से प्राप्त होता है, ठीक ना। चलेगा, अब प्रेशर डालिएगा थोड़ा पिछली क्लासों पर। तो अगर हम लोहा की बात कर रहे हैं और भारत में हेमेटाइट पाया जाता है लोहा, तो लोहा हमें पूर्वी राज्यों से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब देखिएगा थोड़ा मेंस का समझते हैं, और कोयला जो है वो कोयला भी अगर देखिएगा तो झारखंड का प्रथम स्थान है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी घाटी, याद आ रहा है, झरिया पढ़ा है आपको, रानीगंज पढ़ा है, रानीगंज कहां पर है, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। तो अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला भी पूर्वी राज्यों से प्राप्त हो रहा है, और अगर लोहा की बात करें तो लोहा भी हमारा पूर्वी राज्यों से प्राप्त हो रहा है। तो भारत का जो पूर्वी राज्य है या भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में लोहा और कोयला की प्राप्ति होने के कारण ही पूर्वी राज्यों को खनिज हृदय कहते हैं। पूर्वी राज्यों को किस नाम से जानते हैं, हृदय, या कई बार एग्जामिनर कह देता है कि भारत में सर्वोच्च प्रकार का लौह अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, पूर्वी क्षेत्र से, कोयला पूछेगा तो पूर्वी क्षेत्र से। अब इसी पूर्वी क्षेत्र को उसने एक पेटी नाम दे दिया कि पूर्वी पेटी से कौन कौन से खनिज पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, अभी आएगा। अब देखिएगा मैग्नीज भी सबसे ज्यादा हमें उड़ीसा से ही मिलता है, उड़ीसा कहां है, भारत के पूर्वी दिशा में। अब आइएगा थोड़ा इससे डिफरेंट बात करते हैं। आप जब वेबर का औद्योगिक सिद्धांत, अगर हम वेबर के औद्योगिक सिद्धांत की बात करते हैं, आप भूगोल पढ़िएगा तो भूगोल में मिल जाएगा आपको वेबर का औद्योगिक सिद्धांत क्या है, ठीक ना। कोई भी उद्योग होगा, उद्योग मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उद्योग मुख्य रूप से निर्भर करता है कच्चा माल। उद्योग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, उद्योग मुख्य रूप से निर्भर करता है कच्चा माल, ईंधन, परिवहन, बाजार, परिवहन के बाद क्या, कच्चा माल, ईंधन, परिवहन, बाजार, बाजार के बाद श्रम के बाद पूंजी के बाद तकनीक, पूंजी और पूंजी के बाद किस पर निर्भर करता है, तो पूंजी के बाद निर्भर करता है तकनीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कारक हो गए, पहले ये 6 ही कारक होते थे, तकनीक को नया जोड़ दिया गया। हमारे पास कोई भी फोन है, मोबाइल फोन है, मान लीजिएगा आप अभी 4G मोबाइल फोन चलाते हैं, नई जनरेशन आएगी 5G जनरेशन का मोबाइल आएगा तो हम 5G लेंगे। तो 4G और 5G में मुख्य रूप से अंतर क्या है, क्या उसमें कैमरा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन 5G में 4G की अपेक्षा कैमरा बहुत अच्छे प्रकार का होगा, यानी कि पूरा का पूरा काम टेक्नोलॉजी का है। पहले देखिएगा, पहले जो मोबाइल आते थे 3G या 4G भी फिंगरप्रिंट नहीं होता था, फिंगरप्रिंट आने लगा था, फिंगरप्रिंट आया, फिर फेस आया, ठीक ना। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। पहले मुझे अच्छे से याद है एक मोबाइल आता था, बहुत पहले की बात है, मोबाइल आप हाथ में ले रहिएगा, अगर उसमें कोई गाना बज रहा है, कोई सॉन्ग चल रहा है, आप ऐसे उसको हिलाएंगे, वो गाना चेंज हो जाएगा, मतलब उसमें इस प्रकार की तकनीक है। तो मोबाइलों में ऐसा क्या हो रहा है, तकनीक बदलती जा रही है, और तकनीक का ही क्या मिलता है, तकनीक का ही पैसा दिया जा रहा है, तकनीक का ही क्या मिलता है, पैसा मिलता है। मोदी जी ने एक योजना चलाई मेड इन इंडिया, भारत में आकर बनाइएगा, तो भारत में आकर बनाइएगा, और आपको मालूम होगा नोएडा में सैमसंग कंपनी के द्वारा इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया, ऐसी बात है ना। तो मोदी जी कहते हैं भारत में आकर बनाइएगा, अब भारत में आइएगा, हम आपको क्या क्या देंगे, हम आपको कच्चा माल देंगे, हम आपको ईंधन देंगे, हम आपको परिवहन देंगे, हम आपको बाजार देंगे, हम आपको श्रम देंगे, हम केवल आपको 2 चीजें नहीं दे पाएंगे, हम आपको पूंजी नहीं दे पाएंगे और तकनीक, क्योंकि हम लंबे समय से ब्रिटेन के द्वारा शासित होते रहे हैं, इसलिए हमारे पास पूंजी नहीं है और हमारे यहां तकनीक भी नहीं है। तो पूंजी और तकनीक, आप बताइएगा भारत के कोई 2 बड़ी मोबाइल फोन कंपनियों के नाम, एक माइक्रोमैक्स जैसे इंटेक्स है, क्या
लोग बाग माइक्रोफोन या इंटेक्स का मोबाइल अधिक मात्रा में यूज करते हैं, हम ओप्पो है, वीवो है, ठीक ना, रेडमी है, रियलमी है, आपका सैमसंग है या एप्पल है, इनके मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अधिक पाई जा रही है, ठीक ना। अब बात समझिएगा, तो पूंजी और तकनीक का अभाव होने के कारण ही ये योजना चलाएगी, भारत में आकर बनाइए, मेड इन इंडिया, ठीक ना। बेवर का औद्योगिक सिद्धांत में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति उद्योग कहां लगाएगा, उद्योग वो तब उद्योग में फायदा पाएगा या तो वो कच्चे माल, जहां पर उससे कच्चा माल मिल रहा हो वहां पर उद्योग लगाए, या जहां पर आसानी से ईंधन मिल जा रहा है वहां पर उद्योग लगाए, या जहां पर बाजार हो वहां पर उद्योग लगाए। तो मान लीजिएगा कि यहां पर ईंधन मिल रहा है, यहां पर मान लीजिएगा बाजार है, और मान लीजिएगा यहां पर ईंधन है, बाजार है, और यहां पर मान लीजिएगा कच्चा माल है, तब बताइए कहां। तो कहा गया कि बीचों बीच लगा लीजिएगा, ईंधन यहां से ले आइएगा, कच्चा माल यहां से लाइएगा, जब यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा, जब हमारा उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, इस उत्पाद को हम कहां पर ले जाकर बेच देंगे, कहां पर ले जाकर बेच देंगे, हम बाजार में बेच देंगे। या कहा गया कि ईंधन के पास लगा लीजिएगा, तो कच्चा माल ईंधन के पास ले आइएगा और जब यहां से बन जाएगा तो हम बाजार में बेच देंगे। या ऐसा हो सकता है कि हम कच्चे माल के पास लगा लें, तो ईंधन यहां पर लाएंगे और यहां से जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो हम उसको कहां बेच देंगे, तो हम उसको बाजार के समीप बाजार में जाकर बेच देंगे। तो बाजार होना बहुत आवश्यक है, ठीक ना। मोदी जी जाते हैं कहीं पर भी, कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा बाजार है, तो सबसे बड़ा बाजार होने के कारण ही क्या है, सबसे बड़ा बाजार है और बाजार के कारण ही हमारी हमारी संख्या अधिक है और बाजार अधिक है, इसलिए मांग अधिक है, मांग अधिक है, ठीक ना। चीन देखिएगा प्रोडक्ट बनाती है भारत में बेचती है, जबकि उसके यहां कोई त्योहार नहीं मनाया जा रहा, वो भी प्रोडक्ट बनाकर भारत में बेचती है, क्यों, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। आइएगा अगर हम इसी के अगला पहलू पर बात करते हैं, लौह इस्पात उद्योग पर अगर बात करें, लौह इस्पात उद्योग, तो भारत में लौह इस्पात उद्योग तीन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। पहला कच्चे माल के समीप, दूसरा ईंधन के समीप, और तीसरा परिवहन से बचने के लिए, परिवहन लागत को कम करने के लिए, बाजार के समीप, लेकिन ये बहुत कम है। बाजार के समीप जहां पर संख्या अधिक होगी वहां पर उद्योग लगाएंगे तो कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक ना। ये तीन प्रकार के उद्योग लगाए गए, कुछ उद्योग ऐसे लगाए गए जो बाजार के समीप हैं, कुछ ऐसे लगाए गए जो लोह अयस्क के क्षेत्रों के पास हैं। अगर हम कच्चे माल के पास की बात करते हैं तो एक जगह है भद्रावती, आपको पता लगाना है भद्रावती कहां पर है, आपको पता लगाना है, गूगल सर्च करिएगा या नेट देखिएगा, तो भद्रावती, उसके बाद भिलाई, ये देखिएगा ये पूछा गया है कई बार, भद्रावती, भिलाई और सलेम तमिलनाडु में है, भद्रावती कर्नाटक में, और भिलाई आपको पता लगाना है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। तो भद्रावती, भिलाई और सलेम में जो लोह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं वो क्यों यहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि यहां पर आसानी से कच्चे माल की प्राप्ति हो रही थी, अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां पर कुल्टी में लगाया गया, कुल्टी नामक स्थान पर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर और बोकारो, तो इन तीन क्षेत्रों में लगाए गए। तो कुल्टी, दुर्गापुर या बोकारो में किस लिए लगाए गए, क्योंकि यहां से ईंधन की प्राप्ति होती है जल्दी से, यहां की किसकी प्राप्ति हो जाती है, ईंधन की प्राप्ति हो जाती है। अब परिवहन लागत को कम करने के लिए बाजार के समीप जो लगाए गए वो जमशेदपुर और राउरकेला में लगाए गए, जमशेदपुर झारखंड में है, जमशेदपुर और राउरकेला आपको पता लगाना है, राउरकेला कहां पर है। अगर हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर झारखंड में है और यहां पर टाटा कंपनी के द्वारा भारत का पहला, लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था। भारत का पहला क्या लगाया गया, तो यहां पर भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टाटा नगरी बोलते हैं इसे, ठीक ना, कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था, कहां पर, जमशेदपुर, ठीक ना। ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कच्चे माल के समीप कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग हैं,
ईंधन के समीप कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग हैं और परिवहन लागत को कम करने के लिए या मध्यवर्ती क्षेत्रों में कौन कौन से हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र अपनी परिवहन की लागत को कम करने के लिए कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक ना। जमशेदपुर और राउरकेला है, जमशेदपुर है और जमशेदपुर के साथ साथ राउरकेला है, ठीक ना, चलेगा। अब देखिएगा, अगर हम लौह इस्पात की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक मैं सारणी बना देता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्थापित, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्थापित लौह इस्पात उद्योग, ठीक ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, और यहां पर ये पूछ लिए जाते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थापित लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, आपको दोनों याद रखने हैं। कई बार पूछे गए और बार बार पूछे जाएंगे, कन्फर्म है। अगर हम पूर्व की बात करें तो कुल्टी नामक एक स्थान है, कहां पर है तो मैं लिखा दूंगा, अभी मार्कर चेंज कर लेता हूं। एक स्थान है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में है, कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था एक, ठीक ना, कब लगाया गया तो 1874 में लगाया गया था, ठीक ना, स्वतंत्रता की पूर्व की बात हो रही है। साक्ची कहां पर है, तो साक्ची आपका झारखंड में है, साक्ची कहां है, झारखंड में, 1907 में यहां पर लगाया गया साक्ची में। उसके बाद हीरापुर ये पश्चिम बंगाल में है, 1908 में लगाया गया स्वतंत्रता के पूर्व, देख लीजिएगा। उसके बाद भद्रावती कहां पर है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में जो है यहां पर कब लगाया गया, 1923 में लगाया गया। और उसके बाद बर्नपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नपुर कहां पर है, सीधा सीधा पूछ लेता, बर्नपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और ये कब लगाया गया था, तो ये 1937 में, कब लगाया गया, तो ये लगा गया आपका 1937। ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक ना। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देखें तो राउरकेला में लगाया गया, आपको पता लगाना है राउरकेला है कहां, ठीक ना। राउरकेला के बाद भिलाई, दुर्गापुर, भिलाई में लगाया गया, भिलाई के बाद दुर्गापुर में लगाया गया, ठीक ना। तो राउरकेला है, भिलाई है, भिलाई के बाद कौन सा है, भिलाई के बाद दुर्गापुर है, और बोकारो ये क्षेत्र कहां पर है, ये आपको पता लगाना है, मैं कई बार बता चुका हूं, भिलाई कहां पर है, दुर्गापुर कहां पर है, बोकारो कहां पर है, तो यहां पर स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद लगाए गए। देखिएगा, जब हम स्वतंत्र हुए, जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं थे और संसाधन का अभाव होने के कारण हमने किसी ना किसी देश के सहयोग से इनकी स्थापना की। राउरकेला की जो हमने स्थापना की गई राउरकेला, वो जर्मनी के सहयोग से की। भिलाई की हमने USSR के सहयोग से की। दुर्गापुर की हमने ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना की, और बोकारो की हमने पुनः USSR सोवियत संघ रूस की सहायता से की। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, भारत में जर्मनी की सहायता से कौन से लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया है, कौन सा लौह इस्पात उद्योग लगाया गया, तो राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में भिलाई है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और बोकारो कहां पर, झारखंड में, अभी अभी हम बताए थे, ठीक ना। तो ये हो गई बातें आपकी लौह इस्पात उद्योग से संबंधित, ठीक ना, कहां पर लगाए गए, क्यों लगाए गए, सारी कुछ हमने बता दी। बेवर का औद्योगिक सिद्धांत लौह इस्पात उद्योग से संबंधित माना जाता है। सबसे ज्यादा इसको फायदा बेवर के त्रिभुज के आकार का बनाया उन्होंने, उससे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो लौह इस्पात उद्योग को ही मिलता है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं कच्चे लौह इस्पात, तो अभी फरवरी 2018 की बात है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए कच्चे लोहे के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया है, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, क्रूड आयरन बोलते हैं हम, कच्चे लौह इस्पात
उत्पादन में अगर भारत का स्थान पूछा जाए, भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का जो स्थान है वो अब द्वितीय हो गया है, ठीक ना, द्वितीय। और अगर ये पूछ लिया जाएगा अभी करंट का है, हाल में एक वर्ष हो गया है, किस देश को पीछे छोड़ा इसने, तो इसने जापान देश को पहले पीछे छोड़ा है। अगर द्वितीय स्थान भारत का है तो कोई ना कोई होगा जो प्रथम स्थान पर है कच्चे लोहे के उत्पादन में। इस्पात ना लिखे हम तो अच्छा होगा, कच्चे लोहे उत्पादन में। अगर प्रथम स्थान पर पूछा जाए तो प्रथम स्थान पर आपको याद रखना है, प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर हमारा नहीं है, तो प्रथम स्थान पर चीन है। तो चीन कच्चे लोहे के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ गया। जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन से स्थान पर आ गया, दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक ना। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पर अगर बात करें तो लोहे के भंडार की दृष्टि से, लोहे की भंडार की दृष्टि से और लोहे के उत्पादन की दृष्टि से, लोहे के उत्पादन की दृष्टि से, तो लोहे के भंडार की दृष्टि से हम पांचवा स्थान पर हैं। पांचवा स्थान है हमारा विश्व में। अगर प्रथम स्थान की बात करें, प्रथम पर कौन है, तो चीन है, ठीक ना। और अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में हम चौथा स्थान है हमारा, पांचवा स्थान और चौथा स्थान, ठीक ना। तो चौथा स्थान है और पांचवा स्थान है किसके उत्पादन में, लोहा पर, विश्व स्तर पर। भारत में अगर पूछा जाए तो फिर बात करते हैं कि भारत में किसका पूछा जाए। अगर हेमेटाइट का पूछा जाता है तो आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता है, उड़ीसा का क्षेत्र आता है। देख लीजिएगा, मैंने सारी चीजें समझाई हैं। और जब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करे, तुरंत आ जाए करिएगा। पीसीएस के परीक्षा के लिए आपको पढ़ा रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा होती है। इसमें एक आपको अपने लिए एक सीट आरक्षित करनी है और उस एक सीट को आरक्षित करने के लिए पूरी की पूरी हमारी टीम लगी हुई है, आलोक सर और रवि सर के कुशल निर्देशन में। आपको पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। हम बात कर रहे थे, अगर मान लीजिएगा कहता है कि लोहे के उत्पादन में और कुछ भी नहीं दे रहा है, ना तो हेमेटाइट दे रहा है, ठीक ना, ना तो हेमेटाइट दे रहा है, ना सिडेराइट दे रहा है, ना मैग्नेटाइट दे रहा है, तो आप हेमेटाइट को मानिएगा, क्योंकि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट। मैंने लिखा भी है भारत में सर्वाधिक मात्रा में। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट, और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वाधिक लोहे के भंडार कहां है, ना हेमेटाइट दे रहा है ना मैग्नेटाइट दे रहा है, तो आप हेमेटाइट को मानेंगे। हेमेटाइट को इसलिए मानेंगे क्योंकि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और मैग्नेटाइट पूछा जाएगा तो मैग्नेटाइट में हमने आपको बता चुके हैं कर्नाटक। तो आज हमने लोह अयस्क पढ़ा और लोह अयस्क से संबंधित कहां पर कौन सा उद्योग है, लोह इस्पात संयंत्र कहां पर कौन से हैं, उन सबको जाना, ठीक ना। आई होप आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से पसंद आई होंगी। अब कल मिलते हैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। आपका मैंगनीज है, बॉक्साइड है, एल्युमिनियम है, इन सबको हम धीरे धीरे इनका अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो आज यही रख लीजिएगा। और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के प्रवेश के लिए स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 24 तारीख से आलोक सर के निर्देशन में बैच रनिंग करने लगेगा और पढ़ाई होने लगेगी इसमें, ठीक ना, चलेगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।